भिलाई सेक्टर 7 सड़क 39 क्वार्टर नंबर 2B में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात अज्ञात लोगों द्वारा आग लगा दी गई। यह मकान BSP कर्मी सुरेंद्र पानी के नाम से अलॉट हुआ था। आगजनी से घर के अंदर रखी स्कूटी और अन्य सामान जलकर खाक हो गए, वहीं घर के बाहर खड़ी कार के शीशे भी तोड़ दिए गए। प्रार्थी ने मामले की शिकायत भिलाई नगर थाने में कर दी है। मामले को लेकर उप निरीक्षक राजीव तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वहां पर अभी वायरिंग का या रिनोवेशन का काम चल रहा है घर में। प्रार्थी ने थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई कि वह अपना काम वाम खत्म करके जो अपने मूल निवासी स्थान सेक्टर 6 क्वार्टर नंबर 8 सड़क 82 में रात्रि विश्राम करने चला गया। तो उसके बाद जब अगले दिन सुबह 10 तारीख को घर पुराने रिनोवेटेड मकान में आकर देखा कि उसके घर में आग लगी हुई थी। फिर उसने बताया कि उसके घर गेट का दरवाज़ा टूटा हुआ था और घर के रखे हुए एक्टिवा वाहन चार पाई तथा घर में जो वायरिंग हुई थी पूरी जली हुई थी। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा घर के अंदर ताला तोड़कर घुस के उसके घर में आग लगाया गया। प्रार्थी के उक्त शिकायत पर अपराध धारा 457, 436, 427 भद अपराध पंजीबद्ध योजना में लिया गया है और आरोपी की पता तलाश जारी है। सर, ऐसी जानकारी है कि जो प्रार्थी है उसके पुत्र के साथ बीती रात झगड़ा हुआ था, उसके बाद ये सब घटना हुआ है, इस पर कोई अभी इस संबंध में कुछ विशेष पुष्टि नहीं हुई है। प्रार्थी या प्रार्थी के उसके पुत्र को बुलाकर पूछताछ करके आगे कार्रवाई की जाएगी।